रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये शूट मत करिए, बकवास चीज है। शर्म आ रहा है बहुत ज्यादा। नहीं नहीं शर्म आ रहा ETU स्टूडियो। आपने इस चैनल पर इससे पहले विकास सर को देखा होगा, वीडियो को होस्ट करते हुए, वीडियो के बारे में बताते हुए। आपने इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोस देखी जिसमें हमने डिटेलिंग से रिलेटेड बात की है, जिसमें PPF की रिगार्डिंग बात की है, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपसे शेयर की हैं। लेकिन आज कुछ हम अलग करने वाले हैं। आज विकास सर नहीं, आज मैं होस्ट करने वाला हूँ इस वीडियो को। मेरा नाम है अभी और मैं इस डिटेलिंग स्टूडियो में वीडियो प्रोडक्शन का काम संभालता हूँ। आज हम आपको दिखाते हैं कि हमारे स्टूडियो के अंदर जो बिहाइंड द सीन्स होते हैं, जो हमारी मस्तियाँ होती हैं काम करते टाइम पर, वो क्या चीज़ें होती है। और हाँ, विकास सर की भी कुछ पर्सनल चीज़ें भी बताएंगे आपको, मतलब उनके साथ भी मस्तियाँ करेंगे। तो चलो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो भाई ये है हमारा मेन एंट्रेंस, जहाँ पर हमारी गाड़ियाँ कुछ पार्क रहती हैं। तो भाई हमारा ऑफिस ओपन होता है 10 बजे और एंट्रेंस पर गार्ड भैया बैठ करके हमारे सभी लोगों की एंट्री और एग्जिट टाइमिंग नोट करते हैं। गार्ड भैया क्या अपडेट है? सर एक सर आए हुए थे, मैं उन्हें ऊपर भेज दिया हूँ और ये अभी भैया आए हुए हैं, मेरा जो है वीडियो शूट कर रहे हैं। भाई एंट्री करते ही ये पड़ता है हमारा कस्टमर लॉन्च, जहाँ पर आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा। मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ, यहाँ पर हमारी मीटिंग वगैरह होती रहती है, जो मैनेजर सर हैं वो हमारी मीटिंग करते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हो ये पूरा हमारा बे है, जहाँ पर सारा काम गाड़ियों का होता है। और यहाँ पर जो आप ब्लू कलर का गेट देख रहे हो ये हमारा है प्रेप बूथ और पेंट बूथ। भाई ये है हमारा पेंट बूथ, जहाँ पर अभी तो कोई फिलहाल है नहीं, ये हमारा पेंट बूथ है और इसके जस्ट बगल वाला हमारा है प्रेप बूथ। भाई यहाँ पर सारी गाड़ियों पर पार्ट्स वगैरह ओपन होकर के सेंडिंग एंडिंग यहीं पर होती है। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़, ये हमारा वो नया वाला बे है जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होने वाला है और इंडिया का लार्जेस्ट डिटेलिंग स्टूडियो बनने वाला है। तो ये तो आपको विकास सर कभी और बताएंगे, बाकी फिलहाल मेरा काम है आपको अंदर की चीज़ें दिखाना और हमारे टीम मेंबर से मिलाना। तो चलो चलते हैं उनके पास। और ऊपर ये जो आप देख रहे हो ये है विकास सर का केबिन और नीचे हमारा कस्टमर लॉन्च वगैरह पेंट्री एरिया है। हेलो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, आज कैमरा वैमरा लेके क्या प्लान है? बस हम शूट कर रहे हैं। वो तुम मेरा ही शूट कर रहे हो क्या? मुझे लगा ऐसे कुछ दिखाने विखाने लेके आ रहे हो, क्या शूट कर रहे हैं? नहीं नहीं आज शूट कर रहे हैं हम BTS, सभी टीम मेंबर्स का YouTube पर डालेंगे। अच्छा, जो हमने एक बार प्लान किया था कि हम ए डे इन जो हम करते हैं एग्जैक्टली वो दिखाएंगे। सही है सही है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। हाँ आज मैं व्लॉग नहीं शूट कर रहा हूँ, बेसिकली आज मेरा मन नहीं है, मेरे व्लॉग थोड़ा लेट चल रहे हैं, बट ठीक है। BTS में क्या करेंगे अभी? हम सभी टीम मेंबर से बात करेंगे, सभी चीज़ें दिखाएंगे जैसे कि हम लोग काम कर रहे हैं वो सारी। अच्छा मतलब डेली अपना जो लाइफ है, जो गाड़ी आती है, क्या क्या हसल वसल चलता रहता है यहाँ पे, तो पर्सनल चीज़ें मत दिखा दे। सुबह सुबह की ये जो टेंशन आप देख रहे हो ये हमेशा गाड़ियों को लेके होती है। आज हमारी प्राइमरली ना दो गाड़ियाँ जो इम्पोर्टेंट है, जो अभी काफी दूर से आई है, उनको डिलीवर करने का प्लान है। एक है हमारी 700 जो कि ब्लू कलर में, जिसको हम ड्यूअल शेड दे रहे हैं और वो PPF कर रहे हैं। बहुत लोग ना इसमें रैप कर देते हैं, बट हम ना पूरी गाड़ी पे PPF कर रहे हैं। तो अभी सारा आज दिन ना काफ़ी हेक्टिक है। संडे आर ऑलवेज हेक्टिक, इनफैक्ट वीकेंड्स आर ऑलवेज हेक्टिक। इसकी हमने PPF 2 December को करी थी। तो एज पर द प्रोसेस 7 to 10 days का टाइम होता है, जिसके अंदर रेक्टिफिकेशन होती है, छोटे छोटे बबल्स होते हैं और थोड़े से जो सोलमक्स आ जाते हैं PPF के ऊपर, जिसको हम रिंकल्स कहते हैं, उसको लाइक रेक्टिफाई करना होता है और प्रॉपर वॉश होता है। फिर उसके बाद हम कस्टमर को अलाउ करते हैं कि अब गाड़ी खुद से वॉश करते हैं। गाने मत बजाओ।
गाने बंद कर दो। ब्रेकफास्ट के साथ साथ थोड़ा लैपटॉप पे काम, क्योंकि ना सुबह सुबह घर पे ब्रेकफास्ट करने का टाइम मिलता नहीं है, तो जो होता है सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे यही पे होता है अपना ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर शायद घर पे। बाकी ठीक है, आज दिन थोड़ा हेक्टिक है। अंदर ना इस रूम में ना कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती है यार, ऊपर ना छत है ना वो रूम बहुत ठंडा हो जाता है, तो अभी ना एक हीटर मंगाया थोड़ा कोजी कोजी बैठने के लिए, अदरवाइज ना यहाँ पे बैठा नहीं जाता था भाई, बहुत ज़्यादा ठंड है। पतले पतले टी शर्ट्स में ना और ज़्यादा ठंड लगती है यार, क्योंकि दिन भर तो आप बी पे रहते हो, ऊपर नीचे करते रहते हो, जब आके बैठते हो ना तो भाई पूरी शरीर में एकदम ठंडा पड़ जाता है, तो इसीलिए घूमते फिरते रहा करो। दिन पहले हमने इस पर पीपीएफ किया था, जो भाई गाड़ी का शाइन है ना, एक भी बबल्स नहीं, हर एक जगह चेक किया। जब भी कोई गाड़ी हमारे पास आती है ना पीपीएफ होने के बाद, हम ये सारा रेक्टिफिकेशन में सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें ना ध्यान रखते हैं, और जो गाड़ी का शाइन है ना भाई, नेचुरल लाइट पर आप देखोगे ना इतनी सुंदर लग रही है, मतलब फॉर्च्यूनर तो खैर किसी भी कलर में बहुत ही अमेजिंग लगती है, और ये तो नेक्स्ट लेवल भाई, नेक्स्ट लेवल। ये अपना लिफ्ट है, तो गाड़ी कभी उठा के धोनी होती है ना तो हम लिफ्ट पर उठाते हैं, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट है। अभी क्या है ना कि एक दिन एक भारी गाड़ी आई और यहाँ पे ना ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये थोड़ा सा वीक हो गया था, क्योंकि यहाँ पे गैप था। अब इस लिफ्ट का ना पोजीशन हम चेंज करा देंगे, अभी फ़िलहाल हम ना वॉशिंग और बाकी डिटेलिंग एक्सटर्नल गाड़ियों की नहीं कर रहे हैं, बट ग्रेजुअली एक बार जब हमारा पूरा रेडी हो जाएगा ना तो हम पूरी सारी चीज़ें करेंगे, हर एक सर्विसेज देंगे, एंड ये पूरा जगह जो है ना एकदम उसका लुक और कायाकल्प एकदम चेंज हो जाएगा। तो जब अपना कंस्ट्रक्शन वाला काम स्टार्ट होगा, 3-4 दिन हमने कंस्ट्रक्शन भी रिक्वायर हुआ था, तो ये सारी चीज़ें ना वापस से रेक्टिफाई करेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिमाग में ना रहती है कि हाँ ये करना है वो करना है, वो रहता है ऐसे फ्लोर पे रहना तो दिखता है तो याद रहता है। टारगेट आज का ये है कि एक्सयूवी कंप्लीट करनी है हमारे को, जिसकी डिलीवरी है, फिर उसके बाद सफारी जो फेसलिफ्ट है उसका आज पीपीएफ स्टार्ट कर देंगे। बाकी जो ये वाइट फॉर्च्यूनर इसमें फिनिशिंग चल रही है, इसके सीट कवर्स का वेट कर रहे हैं, बाकी ऑलमोस्ट गाड़ियां सारी पैक हो चुकी है, जो प्रायोरिटी गाड़ियां उस पर काम चल रहा है एंड डिलीवरी प्लान्ड है और ऑन टाइम हो। और भाई फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 2 और ये टाइम है हमारे लोगों का लंच करने का, तो अभी सारी टीम जा रही है लंच करने और दिखाते हैं इसके बाद क्या हो रहा है। A few minutes later. अच्छा भैया चाय हो तो पिला दो यार। बिल्कुल वो पहले आ जाएगा। गार्ड भी अभी आ गए। लड़ना नहीं है भाई। हमारे ऑफिस के बाहर ना बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं, तो उनको अशोक भैया डेली खाना खिलाते हैं, और खासकर मैम टाइम टू टाइम मंगाते हैं उनके लिए खाना, तो हम लोग वही सर्व करते हैं। क्या चल रहा है यहाँ पे? यहाँ यार ये शूट मत करिए, बकवास चीज़ है, वहाँ कहीं शूट कर, वहाँ मैं गाड़ी चेक कर रहा तो वहाँ दिखाई। नहीं नहीं पड़ेगा, गाड़ी पे दाने दाने ये सारे के सारे टाटा जितनी भी गाड़ी आ रही है ना सब में देखो ना, यहाँ पूरा भरा हुआ है, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, पूरा एरिया ना पेंट की थिकनेस है, और पेंट इतना ज्यादा क्या कर रहा है यार टाटा ना, मतलब ये देखो यहाँ पे इतना ज्यादा है। कस्टमर को वीडियो शेयर कर रहा हूँ, पेंट में थोड़े से इश्यूज है तो अपडेट करना बहुत जरूरी है यार, बिकॉज इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अपडेट ईच एंड एवरीथिंग टू द कस्टमर। भाई ये दे देंगे निकाल लेंगे यार, तू टेंशन क्यों भाई दे देंगे। क्या कर गया भाई तुम लोग? भाई हम डेटा चेक कर रहे हैं, कब तक देनी है? सेल्टोस तो रेडी हो चुकी है ना, सेल्टोस तो चली जाएगी, वो तो रेडी खड़ी है, वो बस उसका रेक्टिफिकेशन का वेट हो रहा है, वो मान ले 4 दिन और मैक्स। तुम लेट के कभी काम करते हो ऑफिस में? नहीं ना, तुम
नहीं करते हो ना, ये करते हो ना, ये करते हैं भैया, करते हैं लेट के काम। जस्ट लुकिंग लाइक अ बॉय। क्या चीज ये पीपीएफ भाई, मुंह पे क्यों मार रहा है यार भाई इसमें। अरे इसको भी भाई, फिलहाल हम गाड़ी पे देखो कैसे बैठ के चला रहे हैं। इस गाड़ी का ना पूरा सीट वीट अभी गया हुआ है, ठीक है, इसकी फिटिंग हो रही है। अब वो फिटिंग के बिना ना गाड़ी को हमें मूव करनी थी। अब देखो काम नहीं रोक सकते हम किसी भी चीज के लिए, तो हमने क्या जुगाड़ खोजा। इंडियन सर है भाई, हम हर चीज का जुगाड़ निकाल लेते हैं। तो जुगाड़ खोजा, अपना जो छोटा वाला स्टूल होता है ना मूविंग वाला, वो चला रहे हैं। अब ये डर लग रहा है ब्रेक मारे तो आगे ना घुस जाए, थोड़ा सा ना मशक्कत है, लेकिन मजा बहुत आ रहा है। क्या हो गया भाई? टाइमर लगा रहा हूँ भाई। कोई भी 3M का टेप या कोई भी क्लैडिंग, जैसे हमने इसको पेंट किया है ना, तो हम ना बेसिकली जो OEM फिटिंग वाला जो 3M का टेप आता है ना, हम वही यूज़ करते हैं। एंड उसको भी प्राइमर एप्लीकेशन के साथ, ताकि वो फिटिंग प्रॉपर हो। या तो ग्रेजुअली ओवर ए लॉन्गर रन ऑफ टाइम ना, ये सारी चीज़ें बहुत आपको दिक्कत दे सकती हैं। एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी गाड़ी पे LP या फेविक्विक यूज़ नहीं करवाना कहीं भी, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, अंदर बाहर कहीं भी। अगर वो नक्के टूट गए तो वहाँ भी कोशिश करो कि नए नक्के से रिप्लेस करो, रादर देन ये सारी LP लगवा देना, क्योंकि वो LP ना उस पर्टिकुलर प्लास्टिक को जला देगी और वो हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगा। बाकी सारे जितने हमने पेंटेड पैनल किए हैं वो सारे कोटिंग होंगे। उसके बाद इंटीरियर का सीट वगैरह हो गया ना, बस तो फिर ठीक है भाई। अभी रात का 10 बज चुका है और हम लोग कर चुके हैं इस गाड़ी की यार, क्या कर रहा हम लोग का 9 से ऊपर हो गया। तो आपका प्लान क्या है बता दो। मेरा प्लान तुम्हें पता चल जाएगा, पहले गाड़ी डिलीवर हो जाएगी, बाकी आप अपन बैठे हैं ना उसके लिए। शैम्पू है एंड दो माइक्रोफाइबर क्लोथ है। सेरेमिक शैम्पू को क्या करना है ना, अच्छा। इसको आपको ना 1 लीटर पानी में 2 ढक्कन मिला के स्क्वीज कर देना, ठीक है, और नॉर्मल माइक्रोफाइबर क्लोथ से साफ कर देना। इसी क्लोथ से साफ? हाँ, इस क्लोथ, ठीक है। माइक्रोफाइबर आप और मंगा सकते हो सर। अच्छा ठीक है। यहाँ पे मैं आया था, मैंने ये हैंडल का प्लान नहीं किया था, यहाँ पे आने के बाद ये भी काम एक अच्छा हो गया, स्मार्ट हो गया हैंडल। अच्छा तगड़ी ग्लॉस है यार, बहुत ज़बरदस्त। पता नहीं कैमरा कितना कैप्चर कर पा रहा होगा, बट बहुत सुंदर लगे। बाय सर। भाई तो फिलहाल टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 10 बज रहे हैं, 9:50, और अभी जो फाइनल आज की डिलीवरी थी ना वो हमने कर दी, और अभी भी हमारा डे ख़त्म नहीं हुआ है। जितनी गाड़ियाँ आई हैं ना, 2-3 नई गाड़ियाँ हैं जिन पर हमने काम स्टार्ट करना है, वो सारी गाड़ियों का काम स्टार्ट होगा। तो अभी सारी गाड़ियाँ लाइन से प्लेस करेंगे, सुबह किसका क्या काम रहेगा वो सारी चीज़ें भी डिसाइड करेंगे, और आज के दिन को वाइंड ऑफ कर देंगे। बाकी आप कमेंट करके बताना कि ये रैंडम वीडियो आपको कैसा लगा, 8 डे एट डिटेलिंग सेवल रेड कार्पेट, हमारी टीम के साथ इंटरेक्शन आपको कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा ना, तो हम इस तरह की और वीडियोज़ बनाएंगे जहाँ हम एकदम रॉ फुटेजेस डालेंगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको बताएंगे। बेसिकली जो गाड़ियों का शूट है वो तो हम कर ही रहे हैं, बट ये डे टू डे लाइफ आपको दिखाना भी इम्पॉर्टेंट है। वो अपनी टीम से मिलवाते रहेंगे, ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे। आपका क्या चाहिए? प्यार। प्यार कैसे दे सकते हो? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके। बाकी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। बन गया आज का व्लॉग।